खबर बांदा जनपद के बबेरू से, जहां समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव और किसान आंदोलन के समर्थन में शामिल होने जा रहे थे, तभी कार्यालय से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और जेल भेज दिया है, जिसको जेल से रिहा कराने के लिए बेल दिए जाने की मांग को लेकर अधिवक्ताओं ने बबेरू उपजिलाधिकारी कार्यालय को का घेराव कर प्रदर्शन नारेबाजी किया है। बांदा जनपद के बबेरू कस्बे में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव किसान आंदोलन के समर्थन पर गांव गांव जाकर कार्यक्रम करने के लिए तय किया था, जिसमें कल सुबह पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया था। तभी सपा के पूर्व विधायक की रिहाई के लिए अधिवक्ताओं ने न्यायालय से बेल देने जाने की मांग की थी, लेकिन अधिवक्ताओं की जब बात नहीं सुनी गई तो अधिवक्ताओं ने बबेरू उपजिलाधिकारी कार्यालय के सामने एसटीएम एवं पुलिस के खिलाफ जमकर मुर्दाबाद के नारे लगाए और अधिवक्ताओं ने बताया कि अगर जल्द ही पूर्व विधायक विशंबर सिंह यादव की बेल नहीं हुई तो सारे अधिवक्ता आंदोलन व कोर्ट का बहिष्कार करेंगे और इसका आंदोलन तेज किया जाएगा, क्योंकि वह न किसी के यहाँ चोरी किया है और न किसी को मारा है, वह सिर्फ किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे थे, फिर भी प्रशासन ने के उनको गिरफ्तार कर लिया और जेल में डाल दिया गया है। अगर उनकी बेल जल्द से नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। सब क्या नाम है आपका? मेरा रामकृष्ण प्रजापति एडवोकेट बबेरू। किस संबंध को लेकर के आज सब अधिवक्ता यहाँ पर एकत्रित हुए हैं? संबंध में क्या है, जो अन्याय हो रहा है प्रशासन की तरफ से, किसानों का आंदोलन चल रहा है और आंदोलन को किसानों की बात नहीं सुनी जा रही, उसके जो नेता लोग जो उस बात को उठा रहे हैं तो उनको अरेस्ट किया जा रहा है, उत्पीड़न किया जा रहा है, इसी में हम लोग जो है इनके साथ हैं और इस लड़ाई को अगर ये लोग नहीं मानते हैं, शासन प्रशासन अगर इलीगल काम करेगा तो उनके साथ हैं। कानून कायदे की भी बात नहीं यहाँ सुनी जा रही है, ना कानून कायदा माना जा रहा है। 151 मीन्स क्या होता है? 151 का मतलब सिर्फ ये होता है कि किसी प्रोजेक्ट में कहीं विवाद हो रहा है, ब्रिज आपिस हो रही है, उसमें 151 किया जाता है। ये गलत धारा, गलत तरीके से जो है कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और इसमें तो जमानत भी नहीं डालना चाहिए और इसको छोड़ देना चाहिए। कोई ऐसा तो नहीं है, इसमें कहीं व्यवस्था नहीं है। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि प्रार्थना पत्र में ही छोड़ा जा सकता है। किस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया? नेताजी हैं हमारे यहाँ, पूर्व विधायक हैं और विशंबर सिंह यादव, और इस लड़ाई को लड़ रहे हैं जनता के सामने और किसानों की लड़ाई को लड़ रहे हैं और उनका हरेसमेंट किया जा रहा है, उनको अनावश्यक तरीके से बंद कर रखा है। तो यहाँ किस लिए एकत्रित हुए हैं? उन्हीं के पक्ष में एकत्रित हुए हैं, विधायक जी के पक्ष में, और उनकी जमानत के लिए कि भाई उनको आप छोड़ें तत्काल, बेल मंजूर करें। बेल उसमें तो कोई बात ही नहीं है। बेल मंजूर नहीं होती तो अधिवक्ता क्या करेंगे? अधिवक्ता हम लोग आंदोलन करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे, कोर्टों का बहिष्कार करेंगे और यहाँ जो भी कानूनी ढंग से जो लड़ाई होगी उसको लड़ेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? हमारा रामकृष्ण प्रजापति एडवोकेट और हम सपा के जो है मीडिया प्रभारी भी हैं, पूर्व महासचिव भी हैं, जिला कार्यकारिणी के पूर्व सदस्य भी हैं जिला कार्यकारिणी। जी वकील साहब, क्या नाम है आपका? उमाकांत तिवारी, एडवोकेट बबेरू। ये किस लिए आप यहाँ तहसील पर इकट्ठा हुए? हम लोग जो है उसमें हमारे कल माननीय विधायक जी को जो है बिना किसी कारण के जो है उनको जेल भेज दिया गया। वो अपने घर ही में थे और योगा कर रहे थे, उस समय 3 व्यक्तियों को जेल भेजा गया, उनकी बेल डाली गई है और वो बेल मंजूर नहीं होती। उसी में हमारे सारे अधिवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं कि उनकी बेल मंजूर की जाए, अगर बेल मंजूर नहीं की जाती है तो हम लोग आगे धरना प्रदर्शन और जो है आगे की लड़ाई के लिए सक्रिय होंगे। और विधायक